जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक सबमीटर रखा हुआ है। ये बाजार में आसानी से मिल जाने वाला सबमीटर है, कोई हेडल का मीटर नहीं है। तो आज इसकी मदद से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं। तो देखते ही हमारा वीडियो इसी बारे में है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक पावर सेविंग डिवाइस बनाई जाए जिससे कि आपके बिजली बिल में कमी लाई जा सके। आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप बिजली के मीटर में अपने कोई छेड़खानी ना करें, यानी कि जो भी वायर इसमें आ रहे होते हैं, जैसे ये दो वायर इसमें लगा रखे हैं, ये इनपुट सप्लाई होगी इसकी, यानी हेडल से जो वायर आते हैं वो वायर है ये, और इधर से जो दो कनेक्टर खुले हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो यहाँ से आपके घर में या ऑफिस में सप्लाई जाती है, यानी सप्लाई मीटर में हेडल से इस साइड में आई और मीटर के अंदर होकर इधर से निकल जाती है। तो आपको किसी भी पॉइंट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई तार नहीं काटना है और किसी तरह का इसमें तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है। सब बिजली चोरी में आता है, ये सब गलत है, तो आपको ये कभी भूल कर भी नहीं करना है किसी भी मीटर में। तो हम जो आपको आज ट्रिक बताएंगे वो मीटर में छेड़खानी के बारे में नहीं है। मीटर में किसी किस्म की छेड़खानी या बिजली की चोरी इसमें आप नहीं करोगे। इसमें आप साधारण तरीके से कुछ ऐसे उपाय इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपके बिजली के बिल में कमी लाई जा सकती है। जैसे कि इसका एक तरीका है पावर सेविंग डिवाइस बनाना। तो बाजार में आपने देखा होगा बहुत सारे पावर सेविंग डिवाइस बिकते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन आज हम आपको पावर सेविंग डिवाइस बनाना बताएंगे, वो भी बहुत कम पैसे में, मात्र 15 से लेकर 30 रुपए के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसलिए हमें चाहिए होगा एक कैपेसिटर, बाजार में आसानी से मिल जाता है, और एक प्लग टॉप। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से हम पावर सेविंग डिवाइस बताएंगे। तो फिर देखिए कैसे हम डिवाइस मीटर को साइड से कर देते हैं। ये देखिए कैपेसिटर हमने जो लिया है, कैपेसिटर में दो वायर निकले होते हैं, तो इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसा वायर हम कहीं पर यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए 3 पिन टॉप है, हम इसमें 2 पिन टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके पेज खोलेंगे, ये देखिए इस तरीके से इसके पेज हमने खोल लिए। अब इसकी जो 2 पिन हमें दिखाई पड़ रही है, तो इन दोनों पिनों में हम कैपेसिटर के दोनों वायर लगा देंगे, तीसरी पिन हमें यूज़ नहीं करनी है, हमें केवल ये 2 पिन यूज करनी है। तो फिर इसमें कैपेसिटर के वायर लगा देते हैं अच्छे से, देखिए इसे हम टाइट कर लेंगे। लगाने को हम ये बिना प्लग टॉप के भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लग टॉप से लगा लेंगे तो फिर ये कैपेसिटर हमारा लूज नहीं होगा और अच्छे से लग जाएगा एक ही बार में। ये देखिए बहुत ही आसान है, ये हमारा पावर सेवर तैयार हो गया। और इसके पेज फिर से दोबारा कस लेंगे। अच्छा एक बात और, ये पावर सेवर डिवाइस सभी घर के सभी इक्विपमेंट पे वर्क नहीं करेगी, कुछ एक इक्विपमेंट होते हैं जिस पर ये वर्क करता है। जैसे कि हमारे घर में 2 प्रकार के लोड होते हैं, रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड, तो ये रजिस्टिव लोड पर वर्क नहीं करेगी, आपकी केवल इंडक्टिव लोड पर ही वर्क करेगी। तो इसका लगाने का तरीका ये है कि जैसे हमने ये तैयार कर लिया, अब घर में किसी भी सॉकेट में हम इसे लगा देंगे। बताते हैं आपको कैसे लगाना है। सॉकेट में लगाया और ये स्विच हमने ऑन कर दिया, तो ये पावर सेवर हमारा वर्क करना शुरू कर देगा। अच्छा हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जिस समय भी हम ये पावर सेवर डिवाइस लगाएं उस वक्त हमारे घर का लोड चलता हो, जैसे कि हमारा एसी है या फ्रिज है या कूलर है, ये चीजें चलती हो तभी ये डिवाइस वर्क करेगी। अगर हमारा लोड बंद है और हम इस डिवाइस को लगाते हैं तो फिर ये भी हमारा लोड लेना शुरू करेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, बिना लोड के इसे कभी भी ना लगाएं, और जिसमें लोड चल रहा हो उस समय आप इसे यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखें कभी भी आप इसे सॉकेट में से निकालें, इन दोनों पिनों को आपस में ना छूने, इसमें थोड़ा करंट रहता है क्योंकि कैपेसिटर में करंट स्टोर हो जाता है, अगर आप छूएंगे आपको हल्का झटका लग सकता है। तो निकालने के बाद इसे किसी लोहे की चीज से ऐसे शॉर्ट कर दें आपस में, ये देखिए आपने स्पार्क देखा, इसमें हल्का सा करंट स्टोर हो जाता है, तो अगर आप इसे ऐसे छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, अगर आप इसे किसी से शॉर्ट करके इसका करंट खत्म कर देंगे तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा।